हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपक चाचा की जो रिसेंट स्टोरी चल रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, उसके बारे में। तो गाइस, यहां पर तारक मेहता के ऑफिशियल हैंडल ने जो अपडेट डाली है उसको मैं एक बार जरा आपको पढ़ के बता देता हूं। बस में चढ़ते ही शुरू हो गया बापूजी का गोकुलधाम जाने का दौर मतलब कितना लंबा टाइम लगेगा कि इन्होंने लिखा है दौर। क्या होगा आगे जब उनको पता चलेगा कि ये बस जा रही है कहीं और। बहुत होंगे ठहाके, बस देखना ना भूलिए तारक मेहता आज रात 8:30 बजे। तो गाइज, यहाँ पर ना हमको पता चल गया कि ये स्टोरी क्या चल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर चंपक चाचा की हालत ऐसे दिखा रखी है कि जैसे मतलब पता नहीं हम कौन से ज़माने में रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल सा हो सकता था। मतलब चंपक चाचा को घर जाना है, किसी की हेल्प ले सकते थे बेसिकली यहाँ पर, और फ़ोन कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फैंस के कुछ इसी तरह के कमेंट्स मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ऑटो भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन का तो इन्वेंशन ही नहीं हुआ। तो भाई, यहाँ पर शिवम शास्त्री कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है यार, मोबाइल फ़ोन का तो मतलब यूज़ ही नहीं किया। चंपक चाचा को कम से कम घर का फ़ोन नंबर तो यार याद होना ही चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। कुछ और भी कमेंट्स है कि ये स्टोरी दिसंबर तक खींचेगी, लास्ट वीक तक खींचेगी बेसिकली, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर दोस्तों, एक ये भी कमेंट है कि ही कैन कॉल जेठालाल इंस्टीड ऑफ आस्किंग एड्रेस। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि यार किसी भी अनजान बंदे से उससे उसका फ़ोन लेकर या फिर उसको बोल दे कि भाई ये मेरे जेठिया का नंबर है, ये मिला दे। क्योंकि दोस्तों, एक बंदे का नंबर तो यार हमेशा याद होता ही है, और यार चंपक चाचा इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको जेठालाल का नंबर तो यार याद होगा ही। लेकिन दोस्तों, चंपक चाचा ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल राइट एड्रेस पर पहुँच जाएंगे गोकुलधाम सोसाइटी में, और ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब खींच नहीं पाएगी। और दोस्तों, हमको ठहाके कैसे मिलेंगे अगर ऐसा हो गया तो। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो यार इस रीसेंट स्टोरी को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।